हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रजा। आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। पिछली वीडियो में हमने कीपैड के बारे में सीखा था और कीपैड के नंबर्स को हमने एलसीडी के ऊपर शो करवाया था। इस वीडियो में हम जो प्रोटियस के अंदर कीपैड होता है उसको यूज़ करेंगे और सेवन सेगमेंट के ऊपर कीपैड के नंबर्स को शो करेंगे। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। जी, हमारी स्कीमेटिक डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट बी पे हमने एक सेवन सेगमेंट लगाया हुआ है जो कॉमन कैथोड है। ये प्रोटियस का बिल्ड इन कीपैड है। पिछली वीडियो में हमने स्विच को यूज़ करते हुए कीपैड बनाया था। आपको समझाने के लिए, ये कीपैड की रोज़ हैं ए बी सी और डी, और ये इसके कॉलम्स हैं 1 2 3 और ये इसके कॉलम्स हैं। और ये कॉलम्स के साथ पुल अप रजिस्टर्स लगी हुई हैं क्योंकि हम कॉलम्स को एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं और जो रोज़ होती हैं उनको एज ए आउटपुट यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस कीपैड को हमने माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट सी के ऊपर लगाया है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 पर रीसेट सर्किट लगा हुआ है। इस स्विच को प्रेस करके हम माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 13 और 14 जो कि क्रिस्टल्स पिन है, वहाँ पर हमने क्रिस्टल लगाया हुआ है। 4 MHz का क्रिस्टल हमने यूज़ किया है। चलिए ये अब हम अपने कोड को ओपन करते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर की हेडर फाइल है। लाइन नंबर 1 4 MHz का हमने क्रिस्टल यूज़ किया है। ये माइक्रो कंट्रोलर के फ्यूजेस हैं। जो कीपैड के कॉलम्स हैं उनको हमने C4 से C7 तक लगाया हुआ है और जो कीपैड की रोज़ हैं उनको हमने C0 से लेके C3 तक लगाया हुआ है। कीपैड स्कैन के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था। माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट बी पर हमने 0 भेज दी है, उसकी तमाम पिन्स पर 0 चला जाएगा।
यहाँ से हमारा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा कीपैड स्कैन का फंक्शन है उसको हमने कॉल की है। उसके बाद डिले लिया है हमने 300 मिलीसेकंड का। कीपैड स्कैन का फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको कीपैड स्कैन का जो फंक्शन है उसके बारे में डिटेल से बता दिया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप कीपैड को समझ सकें। इनिशियल में हमने तमाम रोज़ को हाई किया हुआ है। जिस स्विच को हमने कीपैड में यूज़ करना होता है उस रो को हमने लो करना होता है। फर्ज करें अगर मैं 7 स्विच को प्रेस करना चाहता हूँ तो मैं रो ए को, जो हमारी रो 1 है, उसको लो करूँगा। और जिस रो को हमने लो किया होता है वो लो सिग्नल इस स्विच को प्रेस करके उस कॉलम के थ्रू पिन पर पहुँच जाता है। जैसा कि हमने रो 1 को लो किया है, उसके बाद ये जो लो सिग्नल है ये स्विच के एक साइड पर पहुंच गया है। उसके बाद हम कॉलम को कंडीशन लगाई है, अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो आप पोर्ट बी पर ये नंबर भेज दो, तो आप पोर्ट बी पर ये वैल्यू भेज दो जो कि 7 का कोड है। बिल्कुल इसी तरह जब मैं रो 2 को यूज़ करना चाहूँगा, बिल्कुल इसी तरह अगर हम कॉलम वन के नंबर 4 को यूज़ करना चाहते हैं तो आप देखें जो हमारा नंबर 4 है वो रो 2 में आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह कोड में जो हमारी रो 2 है उसको लो करेंगे और उसके बाद कॉलम 1 की जब ये कंडीशन होगी, वो जब 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हम 7 सेगमेंट पर ये कोड भेज देंगे जो माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट बी है। रो 1 को हमने हाई इसलिए किया है क्योंकि पीछे हमने इसको लो किया था। अगर हम इसको यहाँ पे हाई नहीं करेंगे तो कंट्रोलर समझेगा कि रो 1 लो है, तो वो सही वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमने उसको पहले हाई कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कॉलम 1 के जो डिजिट 1 है, जो नंबर 1 है, उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो आप देखें जो नंबर 1 है वो रो 3 में आ रहा है, इसलिए हम पहले रो 3 को लो करेंगे। उसके बाद जो हमारा कॉलम है वो इस कंडीशन का वेट करेगा। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे तो वो जो रो का 0 है वो इस कॉलम के थ्रू उस पिन पर पहुंच जाएगा और हमें 7 सेगमेंट के ऊपर नंबर 1 शो होगा। बिल्कुल इसी तरह जो रो 4 है उसको हम यूज़ करेंगे और बाकी कॉलम्स भी बिल्कुल इसी तरह यूज़ होंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक कॉलम के बारे में मैंने आपको समझा दिया था, बिल्कुल इसी तरह दूसरे कॉलम्स भी काम करेंगे। ये जो आउटपुट बी के अंदर कोड लिखे हुए हैं ये 7 सेगमेंट पर शो होने के कोड हैं। अगर आपको कोड में समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इसको कंपाइल करता हूँ मैं और प्रोटियस पे हेक्स फाइल को इम्पोर्ट करके हम इसको चलाकर चेक करते हैं। इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा, जैसे ही मैं कीपैड से कोई स्विच प्रेस करूँगा तो वो जो नंबर होगा वो 7 सेगमेंट के ऊपर शो हो जाएगा। मैं 8 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए 7 सेगमेंट के ऊपर 8 शो हो गया है। अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो 7 सेगमेंट के ऊपर 2 शो हो जाएगा। 0 को प्रेस करने पर 0 शो होगा। अगर मैं 4 प्रेस करूँगा तो 7 सेगमेंट के ऊपर 4 शो हो जाएगा। अगर मैं डिवीजन वाइज नंबर को प्रेस करूँगा तो वहाँ पर मैंने रखा हुआ है ए, तो वो 7 सेगमेंट के ऊपर शो हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के को हम 7 सेगमेंट के ऊपर शो नहीं करवा सकते, इसलिए मैंने वहाँ पे ए बी सी और डी का कोड लिखा हुआ है। जैसा कि आप देखें ये डी लिखा आ गया। इसी तरह कोई भी स्विच को प्रेस करके हम वो नंबर 7 सेगमेंट के ऊपर शो करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप
ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को भी देख सकें। शुक्रिया।